चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। आधी आबादी के अधिकारों को लेकर भले ही शहरों में अक्सर आवाजें सुनाई देती हो, लेकिन गांव की महिलाओं की आवाज आज भी खबरों से दूर है। न तो उनकी उपलब्धियां दुनिया के सामने आती हैं, न उनका टैलेंट। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, गांव की महिलाओं की आवाज हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मध्य प्रदेश के धार जिले की एक ऐसी महिला से आपको मिलवाते हैं जिनके चर्चे हर ओर हैं। आली गांव की रहने वाली ये गुलाब बाई गांव की आधी आबादी की नई पहचान है। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसके जोश, जज्बे और जुनून को पूरा गांव सलाम करता है। मध्य प्रदेश के धार जिले के आली गांव में रहने वाली गुलाब बाई के हौसले और मेहनत की खुद गांव के पुरुष तारीफ करते हैं। गांव के लिए बहुत प्रेरणास्पद महिला है, जो नारी होते हुए भी साइकिल चलाती है, मोटरसाइकिल चलाती है और ट्रैक्टर भी चलाती है। खेती में काम भी ट्रैक्टर से कर लेती है और दूध बांटना हो तो मोटरसाइकिल से बांटती है। इस नारी को देखते हुए गांव की महिलाएं, लड़कियां को प्रेरणा मिलती है कि हम भी गुलाब बाई सरी की मोटरसाइकिल चलाए। मेहनत कश गुलाब बाई वो सभी काम करती हैं जो आमतौर पर पुरुष किया करते हैं। गुलाब बाई खेतों में अकेले ट्रैक्टर लेकर निकल जाती हैं। रोज सुबह सुबह वो खुद मोटरसाइकिल चलाते हुए गांव में दूध बांटने भी जाती हैं। मेरे पापा की 30-40 बीघा जमीन है, मैं उसमें खेती भी करती हूँ। थोड़ा बहुत दूध का भी व्यवसाय है। दूध व्यवसाय के लिए पहले बाइक नहीं थी तो साइकिल चलाई, साइकिल से मैं दूध देने जाती थी। हम घर का ट्रैक्टर ले आए थे, जब से मैं ट्रैक्टर चलाना भी सीख गई, ट्रैक्टर का भी जब पूरा काम, खेती में जो भी हकाई बुवाई जुताई जो भी करना है सब कर लेती हूँ। हालांकि शुरुआत में इन तमाम काम करने पर उनको तरह तरह के मजाक का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उससे गुलाब बाई की हिम्मत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने साबित किया कि अगर सच्ची लगन और मेहनत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। पहले जैसे गांव में ट्रैक्टर लेके जाते थे तो थोड़ा लगता था, बच्चे भी हंसते थे, औरतें भी, जेंट्स लोग भी मजाक करते थे। मैंने किसी से शर्माया भी नहीं और ना कभी मन में कुछ ऐसा विचार आया कि कोई अपनी हंसी कर रहे है या कुछ हो रहा है। मेरा लक्ष्य था कि अपना को मेहनत करना है और कमा के खाना है। खेतों में ट्रैक्टर चलाने से लेकर पानी पहुंचाने के लिए पाइप लगाने जैसे काम गुलाब बाई पूरी ईमानदारी के साथ करती हैं। शायद यही वजह है कि गांव वाले भी उन्हें देखकर अब प्रेरित होने लगे हैं। साइकिल से आते थे, फिर मोटरसाइकिल से आने लगे। कभी जैसे गाड़ी पंचर हो जाए या कुछ हो जाए तो ट्रैक्टर से भी आते हैं, नियमित समय पे ले आते हैं, गाँव में भी दूध लेते हैं। गुलाब बाई जैसी महिलाएं समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के साथ ही उन महिलाओं को भी प्रोत्साहित करती हैं जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हैं पर समाज के डर से अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। छोटू शास्त्री, धार, आज तक। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड पर जैसे विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। आपदा की मार झेल रहे उत्तराखंड में पलायन के साथ साथ बेरोजगारी एक बहुत बड़ा संकट है। खास तौर से उत्तराखंड के गांव में हालात बद से बदतर हैं। लेकिन एक महिला ने इस हालात को बदलने का बीड़ा उठाया है। अल्मोड़ा के दीन पानी बिनसर गांव की रहने वाली मुक्ति दत्ता ने अपने दम पर गांव की तस्वीर बदल दी है। पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड कुदरत का कहर से दो चार होता रहा है। जिंदगी मुश्किल हो गई है, रोजगार के जरिए खत्म हो गए हैं। ऐसे में एक गाँव ने अपनी बिगड़ी तकदीर फिर से संवारने के लिए कदम उठाए। ये कहानी है उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों के बीच बसे अल्मोड़ा के एक गांव दीनापानी बिनसर की। इस गांव की रहने वाली एक महिला मुक्ति दत्ता गांव की महिलाओं की तंगहाल जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बनकर आई।